बड़ी खबर शिमला से है। हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने बीजेपी सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है। 23 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो अब देखिए 23 तारीख का दिन होगा और अगली सुनवाई होगी 23 मई को। तो 23 मई को अगली सुनवाई होगी। अब इस मामले में देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। यहाँ आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे और इस दौरान हुआ ये था कि दोनों के पक्ष में बराबर मतदान हुआ था। इसके बाद पर्चियां डाली गई थी और कहा गया था जिसकी पर्ची पहले आएगी उसे हारा हुआ माना जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, जिस तरह से कोर्ट में ये मामला चला गया है, अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट चले गए थे, कोर्ट ने हालांकि अगली तारीख दे दी है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ इस मामले में नजर आता है? देखिए, आज हिमाचल हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई है और इसमें अभिषेक मनु सिंह जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे यहाँ पर, तो उनकी तरफ से ये याचिका दी गई है। हालांकि इसमें उन्होंने जो पर्ची सिस्टम है, जो पर्ची के जरिए जो है चुनाव जिस तरह से हर समाज को जिताया गया है उस प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो आज इसको लेकर सुनवाई हुई है। 23 मई तक जो है सुनवाई चल गई है और उसमें हर्ष महाजन को भी नोटिस जारी किया गया है। हालांकि इसमें जो याचिकाकर्ता पक्ष है उनका कहना यह है कि जो प्रक्रिया रहती है पर्ची के माध्यम से किसी को जिताने की, यानी हिमाचल विधानसभा में ही जब ये वोटिंग हुई थी तो वहां पर जो 34-34 का आंकड़ा बना था और उसके बाद पर्ची के जरिए हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे। हालांकि इसमें जो प्रक्रिया वहां पर अपनाई गई उसमें ये कहा गया है कि जब दो पर्चियां वहां पर रखी गई तो उस एक पर्ची में से इस पर्ची को निकालकर बाहर किया गया और जो पर्ची बाहर निकली वो हरा हुआ माना गया और जिसकी पर्ची अंदर रही वो जीता हुआ माना गया, वो हर्ष महाजन थे। लेकिन यहाँ पर अभिषेक मनु सिंह जी ने सवाल उठाया है अपनी याचिका के जरिए कि अमूमन ये होता है कि जिसकी पर्ची बाहर निकलती है, यानी दो में से अगर एक पर्ची को निकाला जाता है तो जिसकी पर्ची बाहर निकलती है तो उसको दिखाया जाता है कि ये पर्ची निकल गई और ये चुनाव जीत गए हैं, या फिर जो भी जीता हुआ किसी भी प्रक्रिया में उसको जीता हुआ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है तो उस प्रक्रिया को उन्होंने चैलेंज किया है और इसमें अब 23 मई को सुनवाई होनी है। तो देखना ये होगा कि हर्ष महाजन अब अपना क्या पक्ष इसमें रखते हैं और फिर इसके बाद हाईकोर्ट का इसमें क्या रुख होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, याचिका को लेकर सुनवाई हुई है और फिलहाल बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की है तो कोर्ट की तरफ से बीजेपी सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया गया है। वकील ने इस केस को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ऑफ वन सीट ऑफ राज्यसभा और ग्राउंड हमें रखा है, वी आर ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कोई इसमें डिस्प्यूटेड फैक्ट्स नहीं है, सारे एडमिटेड फैक्ट्स हैं। ओनली ऑन प्रोविजन ऑफ लॉ वी हैव लेड अ चैलेंज। तो कोर्ट ने हमारी प्रिलिमिनरी सबमिशन सुन के सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करते हुए नोटिस इशू कर दिया है रिस्पोंडेंट को। अब उनकी तामील होगी, वो आएंगे, क्या कहते हैं उसके बाद की प्रोसेस अब आगे चलेगा। किसे नोटिस इशू किया गया है? द इलेक्टेड कैंडिडेट श्री हर्ष महाजन जी को, ही इज़ द रिस्पोंडेंट, उनको नोटिस जारी हो गया है। 23 मई की अगली तारीख रखी है। इसकी बेंच में लगा था और क्या चैलेंज किया गया है पर्टिकुलरली ड्रॉप प्लॉट? देखिए, वो हमने जो बोला जिस तरह का, जब वोट कास्ट होने के बाद दोनों कैंडिडेट को बराबर वोट पड़े तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर प्रोसीजर दिया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। हमारा सिर्फ मत ये है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 65, ड्रॉ फ्लॉट जब हो जाता है उसके बाद जब क्लियर उसमें मैंडेट नहीं है, एक को चुनाव करना है तो क्या प्रक्रिया फॉलो करनी थी, हमारे हिसाब से वो सही नहीं हुई है, इसलिए हमने उनके जो इलेक्शन है उसको चैलेंज किया है। परिणाम से पहले पूछा जाता है कैंडिडेट को, तो क्या उनको नहीं पूछा गया? इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मामला विचाराधीन है, इट मे अफेक्ट अस ऑल्सो, लेट अस सी व्हेन दे कम एंड व्हाट ऑल दे से, उसके हिसाब से डील किया जाएगा। माननीय जस्टिस अजय गोयल जी की अदालत में ये केस लगा था और अभी नोटिस जारी हो गया है। बाकी कुछ कहना इसमें क्या है क्या होगा ये, इट विल बी टू अर्ली टू से एंड आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग बियॉन्ड दिस। 23 मई की तारीख अगली मुकर्रर हुई है तो 23 मई को अब आगे होगा।